और ये नदियां क्या हैं जी? माँ हैं। नदियां अगर सूखने लगी तो साहब भूखे मरने लगेंगे हम लोग, हम सूखने लगेंगे सब। नदियां जो हैं सबसे बड़ा स्रोत है हमारे जीवन का। क्यों है? दूर दराज से सोचिए, आप कितना भी पैक्ड फूड खाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन जब आपको फ्रेश फूड मिलता है उगा हुआ, उगता कहाँ से है, जीवन कहाँ से प्राप्त होता है? पानी से, जल से, पर्वतों से। जल कहाँ से आता है? पर्वतों से। तो देखिए कैसे जीवन का एक चक्र जुड़ा हुआ है। हम क्यों इस वक्त प्यार से बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जीवन स्रोत है। जीवन स्रोत क्या है? जल है। जल कहाँ से आया? पर्वत से। पर्वत कौन है? हमारे जीवन के निर्माता, इसलिए हम उसको परमात्मा और कहते हैं दाता। तो इस तरह से एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। भारत बदल रहा है। जो बात हम कह के नहीं कर सकते कभी, वो गा के उसका बहुत असर होता है जी। मैं अगर यही बात आपको बताऊं, नुक्कड़ नुक्कड़ मान लीजिए हम बोलें और हमारे रेडियो पे ये बात चले, जो ना जो भी देगा वोट उसकी होगी बल्ले बल्ले, जो ना देगा वोट उसकी लाइफ थल्ले थल्ले। तो आप ये बताइए, रेडियो बदलेंगे नहीं आप एकदम से? बदलेंगे कि नहीं? क्योंकि इतना दिमाग तो सब में है, सब बोलेंगे कौन है बोर कर रहा है, चेंज करें रेडियो। लेकिन जैसे हमने जो देगा वोट होगी उसकी बल्ले बल्ले, हाँ हाँ बल्ले बल्ले, और जो ना देगा वोट उसकी लाइफ होगी थल्ले थल्ले, दिल की बात मान ले, दिल की बात मान ले। तो ये बात जब हम गा के बताएंगे तो गाने का असर बहुत होता है जी। संगीत का हमारी धमनियों पर, हमारे हॉर्मोन्स पर, हमारे रोम रोम पर, हमारे रक्त चाप पर, हमारे जो बाल हैं, बाल के अंदर की जो धमनियां हैं, कण हमारे जहां रक्त बह रहा है, उन सब पे संगीत का इतना प्रभाव होता है कि अब विदेशों में तो खैर चलो कई साल से भारतीय संगीत बजाते हैं हीलिंग के लिए, हॉस्पिटल्स में मैंडेटरी है। कुछ रोग ऐसे हैं, भारत का संगीत ही वहाँ हील करता है। और भारत में भी अब ये आ गया है, संगीत स्वास्थ्य के लिए हीलिंग का सोर्स बना हुआ है। सर कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी, ब्लू माउंटेन जरा दिखवाइए और बताइए। नहीं अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। सर सर लेना मैंने चलो हाँ भी प्रैक्टिस हाँ चले सर हो गया सर। ये साइड मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और इस फिल्म को जो है गोल्डन एलिफेंट अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म इन एशिया। आई है सीढ़ी, ये मंगवाएंगे 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 कल, कोई नहीं मंगवा लीजिए। आपको शुभकामनाएं हैं फिल्म की, बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू, और अच्छे से रिलीज हो और लोग इसको देखने जाएं। और आदेश जी, क्योंकि ये क्या है, एक फिल्म का विशेष इसका हिस्सा ये है, आदेश हमारे बड़े भाई तो थे ही, सबको पता ही है, हम कम से कम 5 या 6 शो उनके नाम से श्रद्धांजलि कर चुके हैं। और ये ईश्वर की हम पर अनुकंपा है कि बहुत प्यारे प्यारे लोग भगवान ने हमारे यहाँ भेजे, उनका संगीत, उनकी प्रेरणा, बहुत कुछ हमारे संगीत को, देश को मिली है और देखने को सीखने को मिला। तो इसमें ये उनका गाना है, उनके गानों की एक विशेषता होती थी कि आम आदमी उन गानों को गुनगुना सकता है, चाहे वो रंगदिनी हो हमारा, चाहे ये जो जो ना जो वो देगा वोट होगी उसकी बल्ले बल्ले, ये भी गाना एक ऐसा है कोई भी कॉमन पीपल गुनगुना सकते हैं। लास्ट फिल्म है हाँ, आदेश हाँ, लिखा। और इस तो, गाने को जो है राजपाल यादव जी ने उसको फिल्माया गया है, तो
इनके साथ तो राजपाल। तो ये साहब जो हैं अपने आदेश जी का ये आखिरी फिल्म भी थी एज अ प्रोजेक्ट एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, तो इसलिए भी थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट है सब लोगों का। टैलेंट हंट शो और चैनल से मशहूर है और आज बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, उसके पॉइंट में थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी, जो भी रियलिटी शोज होते हैं उसमें पेरेंट्स के ख्वाब बड़े अटके होते हैं ज़्यादातर। हमने क्योंकि 7-8 शोज किए एज अ जज, लिटिल चैंप किया, इंडियन आइडल किया, IPL रॉक स्टार किया, MTV रॉक कॉन किया, ठीक है, उनमें हमने ये देखा कि जो खुद आ रहे हैं उनको कई बार खुद को पता नहीं कि हम क्यों आ रहे हैं। ऐसे आते थे, हम उनसे पूछते थे किस लिए आए हैं, कि जी हमको तो धकियाए तो माता पिता के जो ख्वाब हैं वो बड़े अधूरे रहते हैं और माता पिता बच्चों को ढकेल देते हैं कई बार, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये हो क्या रहा। जैसे मैं आपको एक चुटकुली सुनाता हूँ। एक गांव था, उस गांव में अंग्रेजी का कोर्स नया नया लगा, तो कुछ कुछ बच्चे खुश होकर अंग्रेजी में दाखिला ले लिया उन्होंने। तो अब क्लास में सब्जेक्ट ये सबक सिखाया जा रहा है कि माई हेड माने मेरा सिर, तो माई हेड माने मेरा सिर टीचर ने बता दिया। अब घर पे गए तो माता पिता ने पूछा क्या सीख के आए हो, कि माई हेड माने मेरा सिर। बेटे माई हेड माने मेरा सिर, करेक्ट। अब वो कल जाके बच्चा जो है गया, टीचर ने पूछा रिवीजन किया था, मतलब दोहराया था कल का सब्जेक्ट, हाँ जी, कि माय हेड माने पापा के सर। तो टीचर ने डांटा कि नहीं बेटा, माय हेड माने मेरा सिर। अब वो कल अब ये सीख के फिर घर पे आया, उस बच्चे ने गलती से ये बता दिया था कि माय हेड माने टीचर का सर घर पे, तो पापा ने बोला नहीं बेटा, माय हेड माने मेरा सिर। तो अब ये बच्चा घबरा गया, जब घर जावे तो टीचर का सिर हो जावे, जब रिविजन किया हुआ बतावे तो जी पापा का सर। तो अब वो बालक बौखलाया हुआ है कि यार ये दिमाग खराब हो गया, मेरा सर तो मेरा रहा नहीं, अब जहां जाता हूं कभी टीचर का सर कभी पापा का सर। होता क्या है, कई बार हम इतने भ्रांति में जीते हैं जी कि हमें सचमुच ये नहीं पता चलता कि काला कहूं या ब्लैक कहूं। शब्दों की माया जाल ऐसी है, और ये जो रियलिटी शो के ख्वाब हैं ये माता पिता के भी थोड़े थोड़े अधूरे रहते हैं, तो वो लगे रहते हैं कि जो हम ना कर सके, माय सन विल डू इट। भाई सन का क्या है पता लगा, सन का जो मन लग रहा है वो इंजीनियर बनने में लग रहा है। मान लीजिए वो बोल रहा है नहीं, हाँ मैं तो ये नो सर्किट इधर से उधर कर देता हूँ और इस बाएं हाथ का खैर फॉर मी। पता लगा फादर जी लगे हैं नहीं यार, इसे ही गायक बनाऊंगा। तो पता लगा बावले हुए पड़े हैं दोनों, वो अपने में और ये घुटन है फिर दोनों के अंदर। जीवन बहुत बावले चीज का नाम है जी, बहुत कंफ्यूजन है चारों ओर, लगता है कि ऐसा है जबकि ऐसा है यह नहीं, कुछ है अलग। तो इन सब चीजों पर भी ये सब्जेक्ट बने हैं आजकल, ये लेके आए हैं। अब देखो कैसा लाए हैं ये, तो आप लोग देखना।